बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान तब तब अवतार लेते हैं। राम वही है जिसे हम एक परमात्मा मानते हैं। वही राम कैसे अयोध्या का वासी बन गया। बस मैं यहीं से इस राम कथा को प्रारंभ करता हूं। स्वागत आप सबका मन है ना। मैं बेमन से तो नहीं सुना रहा हूं। मैं ऐसा कभी भी नहीं हूं कि मैं अपनी इच्छा से सुनाऊं। आपका मन हो तो मैं सुनाऊं। एक बार ताली वाली बजा करके। और मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों से, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप अगर बुद्धिजीवी है तो उनमें से आप सब लोग यही अनुभव करेंगे बाद में कि आज की रामकथा में कुछ अलग ही आनंद आया है। बस अब कोई उठना मत। अगर कोई उठे तो उतना है तो वो उठ सकता है, जल्दी से उठ करके चले जाए, लेकिन अब कोई उठना मत, मेरा ध्यान भंग ना हो, क्योंकि बहुत कम तो सोता है, उसमें फिर मेरा मेरे को अपना मन बनाना पड़ता है। बस यही बात है, थोड़ा सा आप मदद करें। बैठ जाए। हाँ, एक बार ताली वाली बजा करके राम जी के नाम पर। सुना सर। स्वागत। राम घट घट वासी अज अविनाशी प्रभु। वही राम जो घट घट में है अज अविनाशी, जो अजन्मा है अविनाशी है वही राम। राम घट घट वासी अज अविनाशी प्रभु, हो गए अयोध्या वासी कारण विचित्र है। कि राम घट घट वासी अज अविनाशी प्रभु, हो गए अयोध्या वासी कारण विचित्र है। धर्म हानि हो भारत वृद्धि हो अधर्म की, तो साधुओं के प्राण हेतु रचते चरित्र है। कौन उत्तम सुपुत्र पति सखा भाई बंधु, जनमानस में सिर्फ राम जी का चित्र है। केवट निषाद जांब सुग्रीव विभीषण, हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है। हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है। आपके हमारे शब्द पर ध्यान देना, आपके हमारे राम जी के कई जन्म हुए। आपके हमारे राम जी के कई जन्म हुए, सब नहीं जानते हैं इस तत्व ज्ञान को। कि आपके हमारे राम जी के कई जन्म हुए, सब नहीं जानते हैं इस तत्व ज्ञान को। विप्रधेनु संत हित लोक के उद्धार हेतु अवतार लेना पड़ता कृपा निधान को। मनुष्यत रूपा ने तपस्या घोर करके, मांग लिया पुत्र रूप में ही भगवान को। भगत बछल भगवान ने पुकार सुन, भेज दिया धरती पे पहले हनुमान को। भगवान क्यों राम जी, राम जी की महानता देखिए। राम जी बाद में आए, राम जी के आने से पहले अपने भक्त हनुमान को भेजा कि जाओ हनुमान, मेरा मित्र सुग्रीव दुखी है, जाकर के उसका दुख दूर करो, मैं आ रहा हूं। इतने दयालु है कि आपके हमारे राम जी के कई जन्म हुए, सब नहीं जानते हैं इस तत्व ज्ञान को। विप्रधेनु संत हित लोक के उद्धार हेतु अवतार लेना पड़ता कृपा निधान को। मनुष्यत रूपा ने तपस्या घोर करके, मांग लिया पुत्र रूप में ही भगवान को। भगत बछल भगवान ने पुकार सुन, भेज दिया धरती पे पहले हनुमान को। तो राम ऐसे नहीं आने वाले। राम तो भगवान साक्षात यज्ञ नारायण भगवान है, यज्ञ पुरुष भगवान है, तो ऐसे नहीं आने वाले। पहले अपने माता पिता से यज्ञ करवाएंगे। और मैं बहुत बारीक बात कह रहा हूं, मैंने गीता के अनुवाद में जो ये श्लोक है ना ऊपर लिखा हुआ है, समझना। अभी अभी मनोरंजन वाला काम नहीं, अब तो दिमाग की खिड़कियां खोल दो और शांति से बैठो और कथा सुनो। ये जो ऊपर लिखा हुआ ना, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादत्र संभव अन्न संभव है यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। ये बहुत महान श्लोक है, इसका अर्थ समझ लो। क्या है इसका अर्थ? ये अर्थ, इसका अर्थ ये जो मैंने लिखा उसको मैं व्यक्त कर रहा हूं आपके बीच में। कि प्राणी अन्न से उत्पन्न, समस्त जीवों की उत्पत्ति अन्न से हुई है, और अन्न वृष्टि से वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा किससे होती है? यज्ञों से। और यज्ञ
यज्ञ कब होते हैं? जब हम कर्म करते हैं, और जब कर्म करने लगते हैं तो उस कर्म की उत्पत्ति कहां से होती है? वेद, साक्षात वेद पुरुष से। और जब वेद पुरुष से कर्मों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वेद की उत्पत्ति कहां से हुई? अक्षर ब्रह्म परमात्मा से। तो इसलिए आपके द्वारा किया हुआ हर कर्म, वो कर्म जो आपके हित से परहित के लिए किया गया हो, वह सब कर्म यज्ञ के समान माने गए हैं। और जब आप ये यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें साक्षात भगवान ही विराजमान है, उस कर्म में ही। ये गीता का सार है। तो इसलिए भगवान ने पहले यज्ञ करवाया कि राम है यज्ञ पुरुष, यज्ञ का प्रसाद पाके माता को सल्या को हुआ गर्भ का आभास है कि राम है यज्ञ पुरुष, यज्ञ का प्रसाद पाके माता को सल्या को हुआ गर्भ का आभास है। चतुर्भुज रूप धारे राम जी प्रकट हुए, कौशल्या के कक्ष में अलौकिक प्रकाश है। होने लगी पुष्प वर्षा, घंटे घड़ियाल बजे, देवी देवताओं से भरा हुआ आकाश है। स्तनपान हेतु माँ की ममता उमड़ रही, शिशु बन रोने लगे अद्भुत विलास है। हुए प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में थे, माँ को देखा कि माँ तो बहुत पीड़ित हो रही है, स्वयं अपने आप में दुखी हो रही है मेरे इस रूप को देख करके कि मैं, मेरे स्तनों में तो दूध भरा जा रहा है, मैं कैसे पिलाऊं इस चतुर्भुज नाथ को, इस त्रिलोकी के नाथ को मैं कैसे पिलाऊं। तो अबे भगवान क्या माँ के भाव को समझ करके फिर शिशु रूप में, तो ये लीला है प्रभु की देखना। और अब आगे क्या होता है, जब राम जी का जन्म होता है तो महाराजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि महाराज आप अपना पंचांग खोलिए और बताइए मुझे कि मेरे घर में जो आया है वो कौन है, कहां से है, आया है, क्या है, जरा मुझे बताइए, इसकी जन्मपत्री खोलिए। तो वशिष्ठ जी महाराज जन्मपत्री खोलते हैं। मैं बहुत अच्छा छंद सुनाने जा रहा हूं, जैसे जैसे मेरी राम कथा आगे बढ़ेगी आपको उतना ही अधिक से अधिक आनंद आता जाए, आपको परम आनंद तक पहुंचाने की गारंटी देता हूं। 15-20 मिनट शांति से दे दीजिए। स्वागत कि राम जी की कुंडली को वशिष्ठ जी महाराज ने पंचांग खोला और राम जी की कुंडली बनाई। और क्या कह रहे हैं राम जी, राम जी के बारे में दशरथ जी से, वो सुनना ध्यान से, कान मेरी तरफ रखना बस। कि राम जी की कुंडली को देख के वशिष्ठ बोले, राम जी की कुंडली को देख के वशिष्ठ बोले, हे राजन तुम्हारा पुत्र आज अविनाशी है, अजन्म अविनाशी परम पिता परमात्मा स्वयं आया है। कि राम जी की कुंडली को देख के वशिष्ठ बोले, हे राजन तुम्हारा पुत्र आज अविनाशी है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप हुआ राम, इनका है नाम सर्व सुख राशि है। ये आए नहीं अकेले, आए हैं समस्त देव, धर के विचित्र रूप हुए वनवासी है। राम जी के दर्शनों की व्याकुलता इतनी है, बार बार भोलेनाथ छोड़ देते काशी है, बार बार भोलेनाथ छोड़ देते काशी है। तो राम का प्रभाव, राम का प्रभाव विश्वामित्र जी तो जानते थे, राम जी का ना ही आदि मध्य और अंत है। बोले दशरथ जी से राम की जरूरत है, राम को पुकार रहे सारे साधु संत है। गौतम मुनि के आश्रम आके बोले, मुनि अहिल्या उद्धार करो आप भगवंत हैं, राम चरणों की धूल से वो स्थूल शिला खंड नारी रूप में सजीव हो गया तुरंत है। अहिल्या का उद्धार हुआ। तो विश्वामित्र जी के साथ राम जी चले गए। मैं चुने हुए छंद सुना रहा हूं। भाई साहब कुछ कहने आए थे क्या कि भाई राम कथा को सुना? नहीं नहीं आपकी बात। अच्छा अच्छा, मैंने देखा राम कथा को यही ऐसा तो नहीं है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। नहीं नहीं कुछ अलग विषय, थोड़ा सा संकेत कर देना मुझे, क्यों मुझे ये पता नहीं है क्या कि मैं साइकिल बहुत अच्छी चला लेता हूँ।